Good evening, ladies and gentlemen. I am Sujal Bamal, son of Wing Commander Naseeb Bamal, and today I am here to enlighten you with some class teacher and student comedy. Nowadays, according to a recent research, an average adult only laughs about 17 times a day. Now, it could be more or less for anyone, but for me, it is not true because of the tension and the after effect of Gagan Shakti. So I hope I should increase the laughter rate, and I'll try my best. तो बच्चों कार्ड मैंने थारे से माय फादर का ऐसे याद करने की थी जो बच्चे याद करके आए हैं कृपया अपना हाथ खड़ा करें बे घुंघरू क्या हुआ यार मास्टर जी ने तो माय फादर का ऐसे पूछ लिया मैं तो गलती से माय फ्रेंड का लंग कराया अरे यार कोई नहीं फादर और फ्रेंड एक ही चीज होती है सच्ची हाँ भाई बस फ्रेंड की जगह फादर लगा देना भाई तू ठीक कह रहा है ना यार फ्रेंड की जगह फादर लगा दियो तेरा काम बन जाएगा तुझे मेरे पे भरोसा कोनी ना भाई कोनी मैं कह रहा हूँ तू कर ठीक है मास्टर जी सुनाओ हाँ झंडू बेटा सुना आई हैव मैनी फादर्स बट Kada is my best father. Some of my father are male and some are female. My uncle is also my good father. My mother likes all my fathers. But my true father is my neighbor. And I love my all father kyunki har ek father zaruri hota hai. Tu baith ja. घड़ा जेम्स बॉन्ड बन रहा है अच्छा बच्चों ये बताओ कि सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है मास्टर जी किताबों में जब भी मैं किताब खोलता हूं मुझे पटाख से नींद आ जाती है तू बैठ जा आज घड़ा चाला पड़ रहा है अच्छा बच्चों ये बताओ कि अकल बड़ी है या कि भैंस मास्टर जी सोचने दो मास्टर जी आप मने बेवकूफ समझते हो क्या अगर आपको ये जानना है कि अकल बड़ी है कि भैंस तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो बता दो शांति से बैठ जा अच्छा बच्चों ये बताओ कि एक किलो लोहा भारी होता है कि एक किलो रुई मास्टर जी लोहा भारी होता है जब लोहा भी एक किलो और रुई भी एक किलो तो लोहा भारी कैसे हुआ मास्टर जी लोहा ही भारी होता है अगर तुम एक तराजू पे एक तरफ लोहा रख दो और एक तरफ रुई तो बताओ दोनों बराबर ही रहेंगे ना मास्टर जी लोहा भारी होता है अच्छा कैसे मास्टर जी आप मेरे सर पे एक किलो रुई फेंको मैं आपके सर पे एक किलो लोहा फेंकता हूं जित आपके सर फूट जाएगा आपने मेरा फाट जाएगा कि लोहा भारी होता है कि रुई बैठ जा अच्छा बच्चों ये बताओ कि कितने प्रकार के घर होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं मास्टर जी जो घर घोंसलों से बनता है उसे होम कहते हैं जिस घर में जो घर हवन से बनता है उसे हाउस कहते हैं जिस घर में दीवारों के कान होते हैं उसे मकान कहते हैं जिस घर की किश्तें भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं और जिस घर में यह भी ना बेरा कि बगल में कौन रह रहा है उसे बंगला कहते हैं बेटा तुम बैठ जाओ अच्छा बच्चों संडे मंडे ट्यूसडे कौन सुनाएगा मास्टर जी मैं सुनाऊं हाँ बेटा सुना संडे मंडे ट्यूसडे सांड मर गया फूंक दे बेटा तुम बैठ जाओ अच्छा याद करो बच्चों अपनी इतिहास की पुस्तक खोलो कल मैं ये बता रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है अरे तूने वो ब्लैकमेल क्यों देखी ना भाई मैंने देखी थी हाँ तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ खड़े हो बताओ मैंने क्या बोला मास्टर जी मेरे ख्याल से आप कह रहे थे कि दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है थैंक यू एवरीबॉडी